السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين ची प्यारे बच्चों क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह तआला हमेशा आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ कोई परेशानी ना आए हमेशा आप सेहतमंद और रहें आमीन ची प्यारे बच्चों आज ही एक हदीस एक कहानी का आगाज़ करने से पहले आपको सेहतमंद चुस्त और तोाना रहने का एक गुर यानी टिप्स देती हूँ जी बच्चों टिप्स तो बहुत सारी हैं लेकिन एक एक करके बताऊँगी एक टिप पर जब आप अमल शुरू कर देंगे तो फिर हम नई कहानी में नई टिप बता दिया करेंगे जी मुझे पता चल गया है आप आज की टिप का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं जी ऐसा ही है ना माशाल्लाह। जी बच्चों टिप ये है कि हमें के हमें सुस्ती जिसे लेजीनेस कहते हैं इससे बचना है सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी किसी काम में नहीं करनी ची बच्चों जब हम सुस्ती करते हैं तो हमसे दीन के काम नहीं होते अल्लाह को खुश करने वाले काम नहीं होते और ना ही दुनिया के काम होते हैं सुस्ती की वजह से हम नमाज ही नहीं पढ़ते या फिर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और वक्त पर भी नहीं पढ़ते एक सहाबी ने आप वसल्लम से पूछा सबसे अफजल सबसे अच्छा काम कौन सा है जी बच्चों आपको पता है क्या जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल वक्त पर नमाज़ पढ़ना यानी अजान होने से पहले ही वज़ू करके अजान का इंतज़ार करना और अजान का जवाब देना दुआ पढ़नी और फिर फ़ौर नमाज पढ़ लेनी ये है सबसे अफजल काम अल्लाह को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करेंगे ना जी इंशाल्लाह सुस्ती की वजह से बच्चों हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते मामा पानी मांगती हैं तो क्या कहते हैं हम तो लेटे हुए हैं चिल कर रहे हैं भाई से कह दो या कहते हैं फारग होकर पानी दे देंगे जब तक क्या होता है मामा खुद ही पानी पी लेती हैं या किसी और से कह देती हैं जी बच्चों सुस्ती की वजह से हम पानी पिलाने की सारी नेकियां ज़ाया कर देते हैं प्यारे बच्चों सुस्ती से बचने की बहुत सारी टिप्स हैं आज की टिप ये है कि सुस्ती से बचने की दुआ मांगनी चाहिए आपकी मामा को ये दुआ ज़रूर आती होगी इन वो आपको सिखा देंगी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आउ दुबी का मिनल वल कसल तर्जमा है ए अल्लाह मैं आर्जी और सुस्ती से पना मांगता हूँ जी प्यारे बच्चों इस दुआ में हम सुस्ती और आर्जी से पना मांगते हैं यानी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सुस्ती और आर्जी से बचा ले अगली दफ़ा सुस्ती और आर्जी के फर्क को भी समझेंगे जी बच्चों आपको आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो एक यहूदी औरत की है जो गुनागार थी वो औरत दूसरों की मदद करने में सुस्ती बिल्कुल नहीं करती थी और बच्चों उसके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बहुत हमदर्दी थी बहुत प्यार था बेजुबान जानवर की मदद करने के लिए उसने बिल्कुल सुस्ती नहीं की और कुएं में भी उतर गई छी प्यारे बच्चों कहानी कुछ इस तरह से है बनी इसराइल की एक औरत ने दे देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेहाल हो रहा है और कुएं के चारों तरफ चक्कर काट रहा है यानी कुएं के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था पानी पीना चाहता था ऐसे लग रहा था जैसे प्यास की शिद्दत की वजह से मरने ही वाला हो बस जान निकलने वाली हो औरत ने जब कुत्ते को इतना बेचैन देखा तो उदास हो गई क्योंकि उसके पास तो कोई बर्तन नहीं था कुएं से पानी किस चीज़ में लेकर आती और कुत्ते की प्यास भुजाती अचानक बच्चों उसे अपने चमड़े के मोज़े का ख्याल आ गया जो उसने पाँव में पहना हुआ था बस बच्चों ख्याल आते ही उसने बिल्कुल सुस्ती नहीं की जी बच्चों आपको पता है ना कुआ कितना ख़तरनाक होता है कितना गहरा होता है और उसमें उतरना बहुत मुश्किल होता है गिरकर मर भी सकते हैं ना लेकिन उसने अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं की मोजा दांतों में दबोचा और कुएं में पानी लेने उतर गई जी बच्चों, आप सोच रहे होंगे कोई भला कुएं में कैसे उतर सकता है जी बच्चों, आपको पता है कुएं के अंदर ईंटें उभरी होती हैं यानी बाहर निकली होती हैं उनको पकड़कर उतर सकते हैं जी बच्चों, वो औरत कुएं में नीचे उतरी मोजे में पानी भरा दांतों में दबोचा और कुएं से बाहर आकर वो पानी प्यासे कुत्ते को पिला दिया इस तरह कुत्ते की जान बच गई जी बच्चों अल्लाह सुबहाना तला ने उस गुनाहगार औरत का कुत्ते की जान बचाने के लिए ये सब करना बहुत पसंद किया और अल्लाह सुबहाना औरत की बफ़्त कर दी उसे बख्श दिया यानी उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और वो औरत इस तरह जन्नत में चली गई जी बच्चों ये कहानी हमने सही बुखारी की हदीस नंबर थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन से ली है जी प्यारे बच्चों इस कहानी से आपने अपने अमल के लिए क्या क्या सीखा जी पहली बात हमने ये सीखी कि हमें दूसरों की मदद करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए किसी काम को छोटा और हकीर भी नहीं समझना चाहिए क्योंकि हो सकता है ना वो काम अजर स्व में बहुत बड़ा हो और उस काम की वजह से अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे अब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह तो वो रहीम है जानवर को पानी पिलाने पर भी बख्श सकता है लिहाजा हमारी कोई ना कोई नेकी हमें जन्नत में ले जाएगी इसलिए गुनाह कर लेते हैं जी प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए आपको पता है ना एक बहुत ही नेक औरत थी लेकिन एक बिल्ली को बू का प्यासा कमरे में बंद करके उसने मार दिया था जिसकी वजह से वो जहन्नुम में चली गई थी बहुत डरने की जरूरत है ना अगर कोई नेकी जन्नत में ले जा सकती है यानी किसी नेकी की वजह से हम जन्नत में जा सकते हैं तो इसी तरह कोई एक गुना हमें आग में भी ले जा सकता है प्यारे बच्चों हमें तो नहीं मालूम कि कौन सा गुनाह हमारी सारी नेकियों को ख़त्म कर देगा जाया कर देगा और हमें जहन्नुम में ले जाएगा जी प्यारे बच्चों हमें अब हर गुनाह से बचना है और नेकी के किसी मौके को ज़ाया नहीं करना अम्मी अबू टीचर और बड़े बहन भाई जो काम बताएं भाग भाग कर करना है सबसे पहले और बच्चों जानवरों की ज़रूरियात का भी बहुत ख्याल रखना है हर एक के लिए नफामंद बनना है यानी उसे फ़ायदा पहुंचाना है बेजुबान जानवर जो अपनी मदद ख़ुद नहीं कर सकते उनका बहुत ख्याल रखना है जी प्यारे बच्चों अगली कहानी तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जब तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ सुबह नबी نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته